Hello everyone and welcome back to my channel. This is a plant repotting video. This pretty plant here is Eglonema cm aurora or red Eglonema. And I'll be repotting it in this big planter. वैसे मैंने इसका नाम aurora रखा है. Let's see what all we need. मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, इन होल्स को कवर करने के लिए pebbles चाहिए बस. पहले तो इन होल्स को कवर करना है ना? तो अगर आपके पास पेबल्स या पत्थर नहीं है तो मैं एक बहुत बढ़िया आइडिया देती हूँ. ये दिए देख रहे हो, ये बहुत आराम से सबके पास अवेलेबल होते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं होल्स को फिल करने के लिए. सो वी कैन ब्रिक इट एंड यूज़ इट टू फिल दीज होल्स. बस आँख बचा के तोड़ना. नाउ इट्स टर्न फॉर पॉटिंग मिक्स. ओके, तो नर्सरी वाले भैया ने बताया था कि 10 किलो मिट्टी में 2 किलो खाद मिला लेना. विच मीन्स द रेशियो ऑफ मिट्टी इज टू खाद इज 5:1. खाद इज कॉम्पोस्ट ओनली. सो 5 किलो मिट्टी में 1 किलो खाद. अब पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स फिल करेंगे सो दैट ये फिलिंग्स अपनी जगह से ना हटे. देन पूरा एक साथ डाल देंगे और क्या. aurora केम होम इन जुलाई और अब जब मैं इसको पॉट में लगा रही हूँ तो नवंबर है. इट्स बीन 4 months नाउ एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. वो ये कि जब प्लांट को नर्सरी से घर लाते हैं तो प्लांट को एनवायरमेंटल शॉक लगता है एंड सो डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रूट्स ताकि ये अच्छे से ग्रो करे. एंड नाउ बिकॉज इट्स ग्रोइंग विल नीड टू प्लांट इट इन अ बिग प्लांटर. वैसे इसको उस टाइम प्लांटर में ना लगाने का ना एक और रीज़न था. जुलाई में मॉनसून था और इसमें ना छोटे छोटे अर्थवर्म्स भी घूम रहे थे तो जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. उनको निकालना भी नहीं था क्योंकि सॉइल फर्टाइल बनाते हैं ना. और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही चले गए. अच्छा एक बात तो बताना भूली गई, दिस इज एन इंडोर प्लांट. आई हैव कट द आउटर कवरिंग ऑफ दिस प्लांट पिकिंग इट अप फ्रॉम द बेस एंड प्लेसिंग इट इन द पिकर पॉट. एंड आई डोंट लाइक टू रिमूव द सॉइल फ्रॉम इट्स रूट्स बिकॉज आई थिंक ऐसे रूट्स अपने आप ही जगह बना के बढ़ जाती हैं. सो आई थिंक इन मिट्टी को हटाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ फिलिंग ऑल द स्पेस लेफ्ट अराउंड इट एंड बिकॉज इट्स एन इंडोर प्लांट आई ऑल्सो बॉट दी स्मॉल वाइट पेबल्स टू डेकोरेट इट. नाउ इट इज कम्प्लीट. ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सो प्लीज कंसिडर इट अ नॉन प्रोफेशनल वीडियो. ओके, सो वट डिड यू लर्न टूडे? एक के नर्सरी से प्लांट को लाने के बाद तुरंत उसको रिपोर्ट नहीं करना बिकॉज इट गेट्स एन एनवायरमेंटल शॉक एंड आई डोंट थिंक उसको अच्छा लगेगा इफ़ यू डिस्टर्ब इट्स रूट्स. मिट्टी टू खाद का रेशियो 5:1. और कुछ सीखा हो जो मुझे याद नहीं आ रहा हो जस्ट कमेंट एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव द लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. बाय.